मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में गोरखपुर जनपद के समस्त बैंक व ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों के साथ बैठक किया, जिसमें समस्त बैंक के ब्रांच मैनेजर, ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक व प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में SSP ने बैंक व ग्राहक सेवा केंद्र की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने दिल्ली में देखा मेट्रो बनी, 2004 में पहली मेट्रो चली, उस समय 2-4 साल तक वहां जो CISF लगी सब सैंड बैग के पीछे खड़ी थी। जब हमारे यातायात के संसाधन और संचार के संसाधन बहुत तीव्र गति से बढ़ गए, उतनी तीव्र गति से हम लोग पुलिसिंग को नहीं बढ़ा पाए, ना बढ़ा सकते हैं। ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि आप चेक आउट प्रपोर्शन कर रहे हैं, वो कुछ लोग करप्शन भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे। आपसे गुजारिश है, आप लोग अपने थाने चौकियों को मिले अपने लेवल पर। एक तो वो दूसरों के हाथ, दूसरों के सामने टेबल के नीचे हाथ नहीं फैलाएंगे। इसमें मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, फोन कॉल्स भी अनट्रेसेबल है, क्योंकि वो इंटरनेट टेलीफोन वॉइस के जरिए हो रही है। कई बार उनको ट्रेस करना ही बहुत मुश्किल है। जैसे आपने अभी नोएडा में देखा कि 50 लोगों का एक कॉल सेंटर फेक पकड़ा गया, जो US के लोगों के साथ चीटिंग कर रहा था। सोचिए, US के लोग कितने हमसे तो एडवांस होंगे, वो हमसे पहले से क्रेडिट और डेबिट इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉल सेंटर यहाँ का और चीटिंग चल रही थी। तो ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि कुछ अपराध नहीं खुलेंगे। नहीं कि 5 लाख रुपए का बुलेट प्रूफ एक छोटा सा, या 5,000 रुपए की एक L-शेप की दीवार बना दे जिसके पीछे संतरी खड़ा हो। दिस इज, ये हमारा सोचने का नजरिया है। नोएडा बना, गुड़गांव बना, पार्क की जमीन निकली थी कि हमारे मन में लगता है कि सिक्योरिटी तो सरकार का सब्जेक्ट है। बिल्कुल है सरकार का सब्जेक्ट, लेकिन जब इसका दायरा बढ़ जाता है तो सबको अपने अपने घर की सिक्योरिटी। पुलिस वर्ड आज से 150 साल पहले आया, उससे पहले पुलिस जो है पब्लिक से ही डिराइव वर्ड है। पॉलिस, सिने पॉलिस, अगर आप जाएं तो ग्रीक में पॉलिस का मतलब क्या होता है, नगर, शहर, शहरी आदमी। हाँ, आज एक थोड़ा सा एक और नई पहल करते हुए सभी जो डिस्ट्रिक्ट के बैंक्स हैं उनके चुनिंदा शाखाओं के कर्मचारियों को और बैंक मैनेजर्स को बुला करके एक वर्कशॉप कम मीटिंग करी गई है। उनके तमाम सारे बिंदु थे, जैसे कि उनके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका वेरिफिकेशन है या उनके गन लाइसेंसेस की व्यवस्था है, और उनको CCTV उनके फंक्शनल है कि नहीं है, ग्राहक सुविधा केंद्र किन जगहों पर वो अलर्ट करें, उसके क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। कई बार होता है ग्राहक सुविधा केंद्र जो है बैंकों के वो बिल्कुल सुनसान जगहों पर हैं और वो फिर निशाना बन जाते हैं इस तरह के आपराधिक तत्वों का। तो इन सब बातों को लेकर के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और उसके बड़े फ्रूटफुल है, सभी ने स्वागत किया। तो इसको देखते हुए SP क्राइम को मैंने निर्देश दिया है कि महीने में एक बार कम से कम जो बैंक 20-22 बैंक हैं उनमें एक एक नोडल अफसर पुलिस के लिए बना लिया जाए और उनके साथ रेगुलर मीटिंग रखी जाए, जिससे कि उनके कुछ और इश्यूज़ भी आज उठाए उन्होंने, जैसे उनका जो लोन वगैरह डिफॉल्टर्स हैं उनके साथ जो कार्रवाई में पुलिस सहयोग चाहिए, प्लस हमारे महकमे के कुछ लोग जो हैं जिनकी बैंकिंग प्रॉब्लम है वो भी यहाँ डिस्कस हो सकती है। ओवरऑल मिलाकर के क्राइम और साइबर क्राइम को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने एक नई स्ट्रेटजी के तहत रेगुलर मिलने का प्लान रखा है बैंकों के साथ, जिससे कि धोखाधड़ी भी कम हो सके, जनता को अवेयरनेस हो सके और हम जनता को मिल करके, हम और बैंक, पुलिस और बैंक मिल करके बेहतर सुरक्षा और सर्विस दे सकें।